1.5 लाख रुपए का यहाँ पे मीना बाजार में स्कैम हुआ था। क्या हिप्नोटाइज कर लिया डॉक्टर ने? जफी पा लेना, थोड़ी एनक बचा ली डॉक्टर ने। मैडम ने पूछा, मैडम छबील मिल दी थोड़े थे? देखेगी मैं एक मकान इतने पा लेनी है, कपड़े सुखाने से दिक्कत नहीं आएगी। आए हाय हाय, इतनी धूप है ना, मैं की कहां। पहले तो सनस्क्रीन दे दो, मैं भूल गया सनस्क्रीन ऊपर है लाइयो। शुक्र है माते तुहाडा शुक्र है, ताई असि तुहानू नाल लई फिरदे आ। तुसी सारी चीजें याद रखदे हो, हैं बोलियो वरना नहीं नहीं नहीं। ते अज असि जा रहे हैं, तैयार शहर हो गया, तुसी दसो एक बार किद्दां लग रहे हैं। ते आज हमारा वैसे बुर्ज खलीफा का प्लान है, वो बाद में जाना है, तो भी हमारे पास टाइम है मॉल जाने के लिए। तो पहले हम जा रहे हैं मीना बाजार, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही है। मम्मी पूरी काले सूट च कहर मचांदी हुई। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय क्रूजर्स एंड ट्रैवल। उनसे आप इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पैकेज बुक करा सकते हो, एयरलाइन बुक करा सकते हो, वीजा करवा सकते हो, होटल करवा सकते हो, एवरीथिंग एट रीजनेबल प्राइस। मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन कॉन्टेक्ट देम। जब हम पहले आते थे ना तो इस होटल में रुकते थे, ये अल-फैदी मेट्रो स्टेशन है और ये रीगल प्लाजा होता था, बट ये रीगल प्लाजा चेंज होके 6 सीजन्स हो गया इसका नाम अब। पापा नहीं समझ पाएंगे पर मैं टैक्सी ड्राइवर का दुख समझ सकता हूँ। पापा ने उसकी जेब में से जाने से 12 दिराम रोके हैं। नहीं 12, हाँ वो तो अलग बात है, समझ सकता हूँ। क्योंकि मैं भी जब कनाडा में टैक्सी चलाता था ना, हम भी ऐसे करते थे, क्योंकि भाई को पता था एक गली छोड़ के अल-फैदी दी है, क्या मीटर चालू करेगा। उसको पता है 10 दिराम लगने हैं, मैं 12 ले लूंगा। हम भी ऐसे करते थे, ये कोई वो आया पैसेंजर आया, भाई क्या मीटर चालू करूंगा तेरे, $6-7 के लिए तू ऐसे दे दियो, तू $1-2 कम दे दियो। पापा उसको कहते तू मीटर दे। मैं समझ गया भाई, वो अपनी जेब में डाला जाता है, मेरे पापा कहते नहीं मीटर चला। सो आई कैन फील हिम ब्रो, दो पैसे उसकी जेब में चले जाते, क्योंकि उसको पता है एक गली जाते ही छोड़ देना, तो आप मेरे को ऐसे ही दे देना मीटर भी चालू करना, पर मीटर चालू करेगा तो वो उस पे जाएंगे नहीं। हाँ इतनी तो हमने भी टैक्सी चलाई और ये चीजें हमने भी करी है, सारे टैक्सी वाले करते हैं। भाई अब हम मीना बाजार आ गए, तो पहले हमने मम्मी के ऐनक ठीक कराने, क्योंकि मम्मी जहाँ भी जाती है वहाँ पे जाके ऐनक खराब कर देती है, अपनी ऐनक तोड़ देती है। अच्छा बात है, थैंक यू सो मच जी। एंड सब तो पता है वड्डी गल की है, दुबई च आके भी ना सानू इन्ने प्यार करने वाले लोग मिल रहे ने, है आपा सही गल है, जहाँ जो वहाँ पे मिल ही रहे हैं कोई ना कोई, क्योंकि यहाँ पे भाषा सेम है और हमारी वीडियो यहाँ पे भी चलती है, तो जो पाकिस्तान से भी उनको भी समझ आती है, इंडियंस को तो आती है समझ। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू सो मच। असि वही कह रहे थे क्या ले पापा कहेंगे मम्मी की आना खराब हो गई, अच्छी गल है ना, सूट दिखेंगे ना, माल दिखेगा ना, कुछ दिखेगा ना, गोल्ड दिखेगा, कुछ नहीं दिखना मम्मी नू। आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करता हूँ। आज से कुछ हम जब 5-6 साल पहले आते थे, हमारे साथ 1.5 लाख रुपए का यहाँ पे मीना बाजार में स्कैम हुआ था। क्या हुआ था, पापा का आप जैसे हेल्दी है, मोटे हैं थोड़े से, तो यहाँ पे ना पापा को कुछ लोगों ने पकड़ लिया, पापा और मम्मी घूम रहे थे, मैं और गगन कहीं और थे, तो पापा को बोला कि भाई साहब आप मोटे लग रहे हो, मोटे आओ आपको दवाई दिलवाते हैं। तो पापा को लगा सच्ची कोई कुछ होगा, तो पापा उनके साथ नहीं लगा कुछ होगा, हिप्नोटाइज कर लिया नहीं, पापा उनके साथ चले गए कि कुछ दे, वो कहते आओ हम आपको अपनी शॉप पे लेके जाते, हमें पता नहीं था यहाँ पे स्कैम होते, पापा और मम्मी उनकी शॉप पे चले गए, वो यही कहते आपका पेट अंदर हो जाएगा, सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो पापा चले गए, अब उनकी शॉप पे गए तो ना वो पापा से बात करते करते ना कुछ पुड़िया बना रहे, बातों में उन्होंने पापा को कर लिया हिप्नोटाइज, उन्होंने पता नहीं पुड़िया क्या ही पुड़िया बनानी थी, कायम चूरन सा था वो बना के ना पापा को दे दिया, हिप्नोटाइज हो गए पापा। उन्होंने बोला कि XYZ कितने दिराम हो गए, पर मेरे को इंडियन रुपीस में पता है कि 1.5 लाख रुपए हो गए। तो पापा ने चुपचाप 1.5 लाख रुपए निकाल के भी दे दिए, मम्मी थी साथ में, तो मम्मी पूरी हिप्नोटाइज नहीं हुई थी पर मम्मी को समझ आ गया। तो ये दोनों जब बाहर निकले तो मम्मी ने पापा को कहा कि तुसी इतने रुपए क्यों दे देते, तो मम्मी पापा से लड़ने लगी, पापा कहते छड़ ना छड़ कुछ नहीं होता, क्योंकि हिप्नोटाइज थे उस टाइम। तो मम्मी ने पापा से फिर बात निकलवाई, जैसे जैसे हिप्नोटाइज का असर कम होता गया इतने लग गए अभी मैं, तो फिर पापा ने बताया मम्मी दोबारा उस दुकान पे गई, फिर मम्मी उनसे लड़ी, आधे लेके आई, उन्होंने गेट गुट सब बंद कर दिए थे दुकान के, ताकि बाहर आने दिए थे, अब हमने आपके लिए वो चूरन बना दिया है पेट कम करने के लिए, अब वो हमारा किसी काम का नहीं है, फिर मैं अकेले जितना टक्कर मार सकते अकेले मैं जितनी टक्कर मार सकते थे उनसे मारी,
तो पापा तो फिर भी ना बोले बिल्कुल भी। अब मैं क्या करूं, मैं जो आ गया ठीक है, आधे पैसे वापस लेके आए। तो हमें 70-75 हज़ार रुपए वापसी दिए। पापा घर आ गए, पापा ने होटल आ गए तो पापा ने हमें स्टोरी बताई। फिर हम अगले दिन दोबारा उस जगह पे गए, स्टोरी नहीं बताई, सुबह बताई थी अगले दिन। तो हम दोबारा उस दुकान पे गए अगले दिन। तो अगले दिन वो सुबह सुबह दुकान बंद थी क्योंकि हम रमजान के टाइम पे आए थे। तो हमने पुलिस को बताया, पुलिस कहता आपके पास बिल है। हमने कहा बिल नहीं है, कहते फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पापा ने मेरे को बोल दिया था ना रात को ही, भाई बच्चों का नाम बताया मैंने, इनका क्या नाम मानना था, मैंने तुम लोगों को बताया नहीं। ये एक वार्निंग सी है भाई, आओ तो ध्यान रखना, कोई ऐसा कहे तो ऐसा मत करना। भाई टाइम हो गया 4:30, अब हमारी कैब आ चुकी है। पहले हमारी कैब ने ना हमारे होटल ही आना था, तो हमने उनको बोला मीना बाजार आ जाओ, हम यहीं घूम रहे हैं, तो वो हम यहाँ से पिक कर लेंगे। फिर हम जाएंगे दुबई मॉल, फिर रात को आज हम देखो 5-6 बार आ चुके हैं दुबई, पर कभी ना हम बुर्ज खलीफा नहीं गए थे, तो आज हम पहली बार बुर्ज खलीफा जाएंगे। तो अभी मेरे को कहता लाल पे चल चल चल, अभी लाल है भाई हमारी, हरी नहीं, लाल है, लाल है साडी बत्ती, लाल साडी बत्ती लाल है। सहज कह रहा जिन्ना मर्जी मॉल है मैनू फर्क नहीं पैंदा, मैं शॉपिंग फिर भी शनि बाजार तो करनी है है ना, ताई जिथे मैं सक गया ही नहीं। हाँ आज मुझे मेरी इज्जत का पता चल रहा है, मेरी इज्जत का। दुबई मॉल आके ना मेरे करण नु लेके आना, उन्हें इंग्लिश आंदी है। गगन भी कह रहा चल ना। तो अभी हमने मम्मी की आने ठीक करानी है। अभी वैसे यहाँ पे सब हिंदी में बात कर लेते हैं, पर होता कई कबार की इंग्लिश होती है। भाई हमने यतीम ऑप्टेशन पे दिखाया तो वो कहते इसकी वायर चेंज करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे आगे हम कितनी जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि मम्मी दुबई मॉल देख सके। हम लेंस कार्ड पे जा रहे हैं अब, क्यों? क्योंकि लेंस कार्ड इंडियन ब्रांड है, क्या पता यहाँ पे ये ऐसे ही कर दे। प्लेंट एवरीथिंग व्हाट यू एक्सप्लेन ग्राहक से निकला वो लगा, वी आर परमानेंट कस्टमर जॉन जैकब्स। या 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 जॉन जैकब्स, जॉन जैकब्स, जॉन जैकब्स। भाई सहज वास्ते तुसी रिश्ते भेज सकते हो, सहज नू इंग्लिश भी आंदी है, सहज ने पूरा इंग्लिश दसिया उन्हूं। वन ग्लास नो फिक्स, यू फिक्स गिव अस। उन्हूं अगले नू समझ आ गया, होर की चाहिए है, समझ आनी चाहिए गल। कह दे वही यार परम, वही यार परमानेंट कस्टमर फॉर द जॉन जैकब्स। या पापा आईलेट्स 5.5 बैंड, 4 बैंड, I am seeing more because of your इज्जत। 4.6, you are cutting my half band, is it done? उन ते ननु समझ नहीं आ रहे हैं देखो। Okay, you have to, you are saying that you have to change the wire, or you going to remove wire? Remove. Okay. Okay, so like. You are saying that you will remove the wire and you will like fix the lens as it is without the wire. Okay, no issues. Like, so you will remove both the wires or the like only this one? Only this one. Like, is it look good then or not? Because both the sides like have wire. He is saying that he will remove the wire and fix the lens as it is. But I'm saying like the wire is also on the right side. हमें आगे समझ रहे हैं। English आती है हमें। चार बंदे लग गए अगले दिन इंग्लिश समझने वास्ते। सारे काउंटर ते खड़े हो गए सीगे, दो वर्ड सैने डिकोड कीते, दो मैं कीते, दो गगन, दो पापा ने, पूरा सेंटेंस हो गया। इतने वड्डे मॉल ने हाथ खड़े करते कि नहीं भैन जी असीं तुहाडा चश्मा नहीं जोड़ सकते, की फायदा फिर इन्ना वड्डा, की फायदा इन्ने वड्डे मॉल दा, फिर एक तुसीं तार नहीं जोड़ पाए, असीं पंचर वाले को लै जांदे ना, ओह जोड़ दिंदे। मैं तुहानूं आख्या मिस्त्री, मैं भाई जिवें पंचर दा टायर चढ़ाई दा ना सुंबे फसा फसा के। इंग्लिश तैयार कर रहा हूँ। हाँ हाँ कर ले। अभी आप इंग्लिश में समझाओ। Like we have the glasses and like, can you repair this if is it possible? Like just you have to fix the lens here. बना ली सीगी मैं। तोड़ के। Write कर लेती थी पहले। Script लिख दे यार। हाँ। वैसे लिख लेती थी। मम्मी तुहाडे एक चश्मे करके ना मैनूं अपना इंग्लिश दा पेपर देना पै रहा हर थां थां ते। अच्छी गल है ना, ऐ ब्लॉग तुहानूं इंग्लिश च मिलेगा। तुसीं कह नहीं कह सकते मुंडे अनपढ़ ने, ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जांदी होई इत्थे, ग्रामेटिकल जिथे बंदा समझ जाए दूजा। हाँ अपा राइट है। हाँ उन्हें समझ आ गया, एक अख फुटी हुई है उन्हें ठीक करना है, वह समझ गया है ना मम्मी, ऐदा ही कुछ है। मम्मी कहती है ना अंधेरा क्यों है,
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਦੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-6 ਮਿਸਤਰੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਐਨਕ ਜੁੜੇ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਚਲੋ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਿਠਾਏ ਹੋਣੇ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ ਬਾਈ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਉਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਇਰ ਜਿਹੀਆਂ ਪੰਚਰ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਉਵੇਂ ਚੜੇਗੀ। ਪਾਪਾ ਛੋਟਾ ਸੋਚ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੋ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰਦਾ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਫੀ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਨਕ ਬਚਾ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਚਾ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇਖ ਪਾਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਇਜ਼ ਦੇਰ ਐਨੀਥਿੰਗ ਟੂ ਪੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਦੁਬਈ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੌਲ ਦੇਖ ਪਾਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਮਾਸੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਵਿਖਣਗੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਦੇ ਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਚੱਲ ਕੁਛ ਲੈ ਆਈ ਦਿਓ ਤੋਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਐਨਕਾਂ ਤੋੜ ਦੋ, ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸੇਲਸ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੰਮੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਪੈਣੇ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੰਮੀ, ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ। ਸਹਿਜ ਜੀ ਨਾ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਕੋ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਆਪਕਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਤੇ ਹੈਂ, ਆ ਦੇਖੋ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦਿਖਾ ਦੇਤੇ ਹੈਂ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਆਪ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਕੀ ਤਰਫ ਬੜ ਰਹੇ ਹੋ? ਨੋਰਮਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਨੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਤਨੀ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਲੇ ਬਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਬਲ, ਹੋਏ 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 ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਤਾ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਵਾਈਬ ਹੈ ਪੂਰੀ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਦੇ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਉਹ ਬੇਟੇ ਆ ਪੇ ਹੈ ਯੇ ਰਾ ਦਿਖਾਤੇ ਹੈ ਆਪਕੋ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਵੀ ਐਸੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਐਸੇ ਦੀ ਐਸੇ ਹੋ ਗਈ ਕਮਰ, ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹਿਜ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਦੇਖ ਕੇ? ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਕੋ ਕੱਖ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਤੋਂ ਬੁਰਜ ਖਲੀਫਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਕੋ ਨੋਰਮਲ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਝਰਨੇ ਪੇ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੀਏ, ਗੁੱਚੀ ਲੈ ਤੋ ਲਿਆ, ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਇਨਕੋ ਨਾ ਪੁੱਚੀ ਦੇ ਦੀ ਦੁਬਈ ਮਾਲ ਵਾਲੋ ਨੇ, ਅਬ ਦੇਖ ਲੋ ਟਾਂਗ ਹੀ ਦਿਆ ਭਾਗਣਾ ਹੋ ਤੋ। ਬਾਈ ਅਬ ਹਮ ਆ ਗਏ ਹੈ ਸਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੀ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ? ਯੈਸ ਐਵਰੀ ਕੰਟਰੀ ਟੀ, ਓਕੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਟੀ ਆਲਸੋ ਮਸਾਲਾ ਕੜਕ ਚਾਹ ਕੁਛ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਪਾਨ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਗਾਨਾ, ਪੈਰਿਸ, ਤੁਰਕਿਸ਼, ਜਾਰਜੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਚਾਹੇ ਹਮੇ ਕਾਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਗੈਸ ਕਾਵਾ, ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਵਾ? ਨੋ, ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਫਸਾ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਬਾਈ ਅਬ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਪੇ, ਇਸ ਪੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਕੀ ਚਾਹੇ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀਗਾ ਵਾਘ ਬੱਕਰੀ ਚਾਏ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੋ ਟੇਲੇ ਦੀ ਚਾਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਪਤਾ ਕਿਆ ਕਹੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਚਾਏ ਹੋਏ ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਏ ਸਾਡਾ ਨਰੇਸ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਰਾੜ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇ ਇਤਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰੀ, ਉਹ ਨਾ ਯਾਰ ਝਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਖਰਾਬ ਆਈ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ, ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਫਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਹੌਟ ਔਰ ਆਈਸ ਟੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਕੌਨ ਸੀ ਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਕੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸਕਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕੋਂਬੋ ਦਾ। ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਡਮ ਛਬੀਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਰੂਹ ਅਫਜ਼ਾ ਦੀ ਛਬੀਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਗਗਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ 30 ਦਿਰਾਮ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛਲਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀਤਨਾਮੀ ਵੀਤਨਾਮੀ ਟੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੀਤ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਓਕੇ ਤੁਨੇ ਸਪਾਈਸੀ ਹੈ ਤੁਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਹਿ ਦੀ ਉਸਕੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਨੋ ਨੋ ਸਰ ਇਟਸ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ सब कुछ आ गया है वॉलनट है ठीक है ये पता नहीं क्या है अच्छा ये सैल्मन 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 सैंडविच है और ये चाइनीज चाय फोटो खींच ली है 125 ग्राम देता पागल फोटो तो लैन दे भाई हूँ असं चाइनीज चाह ट्राई करांगे पता कितने दी पई है 125 ग्राम दी 35 रुपए है जी ओए होए एनी जी कोली भी नहीं दी इन्होंने पूरी चाह पीने है ना इतने फिर वो इन्नी चाह भी चलो कोई नहीं सब टेस्ट वक्रा पर यहाँ पे अगर आपको करनी हो आप ट्राई कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट चाय हैं सो वी वांट टू ट्राई लाइक समथिंग न्यू यू कैन कम हियर भाई जिदा साडा इंडिया ना मच्छी फार्म है इधर दुबई वाले ने मच्छी फार्म खोलिया है पर दुबई मॉल च सेंटर चाहे देखो वो दिख रहा थानू मच्छी फार्म बस फर्क है ना साडे इत्थे बच्चा हुंदा है इन्होंने बड़े बड़े रखे हुए ने भाई फाइनली फाउंटेन शो शुरू हो गया जो यहाँ पे इतना बढ़िया होता ना और ये अलग ही वाइब है यार इस चीज़ की ना भाई इस शो की ना अलग ही वाइब है पूरी भाई कितने लोग खड़े हैं इस शो को देखने 50,000 बंदा खड़ा है इस शो को देखने सब इसी की वेट कर रहे हैं शो की भाई पापा में लेकर आ गए हफीज मुस्तफ़ा 1864 संताली तो पहले की दुकान है संताली तो पहले की दुकान है बकलावा होगा इनके पास कहते हैं बकलावा बड़ा स्वाद होता है फ्रॉम टर्किश लाइक डू यू गाइस हैव बकलावा ओके दिस इज बकलावा वी डोंट नो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू एवरीथिंग इज बकलावा ये सब बकलावा है बकलावा भाजी रसमलाई है कि तेरे को रसमलाई छैली मुर्गी भाई ये बकलावा बकलावा खाया ना बड़ा स्वाद है इनसे पूछते हैं छैली मुर्गी मिलेगी नहीं बात अगर इस्तांबुल जाना मिठाई बहुत होती है हाँ यार स्वाद हो बकलावा वगैरह ना बड़े स्वाद थे मैंने कहा इस्तांबुल वाकई बहुत अच्छा है चिकन का भी बहुत अच्छा खाना भी बहुत अच्छा है भाई पापा नहीं हटते पापा कहते बकलावा बड़ा स्वाद है एदेज बस देसी घ्यो ज्यादा पा देंगे ना तो मजा आ जाता पापा कहते चाशनी की घाट है बस ना मिठा भी ठीक है भाई बुर्ज खलीफा दे सानू पासेस मिल गए ने तो ये प्री बुक था हमने यहाँ से आगे बुक कराया नहीं है तो अब हम जा रहे हैं हमारी बस पहले देखो भाई लाइन ही इतनी लंबी लगी है लिफ्ट में जाने के लिए ना बहुत लंबी लाइन है पर अराउंड पापा कितना टाइम लगता होगा इस लंबी लाइन को आप तो पहले गए हो हैं लंबी लाइन को हाँ एक बार में कम से 20-20 बंदे जाते हैं और लिफ्ट ऐसे चलती है जहाज चल रहा हो ये देखो यहाँ पे ना 2 sunsets लिखे हुए हैं इनको समझ नहीं आया कि 2 sunsets कैसे लेट मी एक्सप्लेन यू कैन सी 2 sunsets कैसे एक बिल्डिंग के नीचे से देखो फटाफट एलिवेटर पकड़ो दोबारा ऊपर पहुंचो एक वहां से देखो दिस इज लाइक यू कैन सी 2 sunsets फ्रॉम बुर्ज खलीफा मैनू ए नहीं समझ आता भागा वाले असी हाँ या सह जाएगा 5 बार असी आ चुके हैं बुर्ज खलीफा नहीं गए तू आया सी बुर्ज खलीफा भी जा रहे हैं भागा का कौन है फिर आ तेरी तमन्ना पूरी करदा है ते अगे खिचदा फोटो पूरी फोटो बाहर ते आ नहीं रही तमन्ना मेरी ये नहीं है भाई मम्मी ना गोरू के बच्चों को देख के खुश हो रही है क्यूट क्यूट मम्मी से एक बार बोले गोरी नाल ब्याह करा ली फिर
भाई अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और रॉकेट रॉकेट वांगू है लिफ्ट छाड़ देने मुर्गा छाप वो देखो यहाँ पे ना लिफ्ट के बाहर लिखा भी आ रहा है कौन सी फ्लोर चल रही है 124 14 और देखो कितनी जल्दी स्पीड डाउन हो रही है 876 भाई एक सेकंड से भी कम है एक सेकंड से भी कम है अगर देखा जाए ना वन सेकंड से भी कम है बंदा बोलता है उससे पहले डाउन हो जाती है रॉकेट चार्ज लगने वाली है उत्ते बस देखो भाई कितनी जल्दी पहुंचते हैं टाइम सेकंड काउंट करो यहां पे 3 भाई शुरू होगी भाई 1 2 वो पीछे वीडियो चल रही है देखो कितनी जल्दी हम पहुंचते हैं ऊपर ये फ्लोर सारे 9 10 अभी एयर प्रेशर बढ़ेगा कान पे जैसे जैसे इतनी तेज चल रही है ना एयर प्रेशर बढ़ रहा है कान बंद हो सकता है हो रहे हैं बंद 21 22 23 24 25 26 27 उसकी काउंटिंग मेरे से फास्ट हो रही है और कान हमारे बंद हो रही है कान बंद हो गए भाई पहुंच गए मम्मी 3 25 24 जाना है आओ जाओ जी खुल जा सिम से बस आओ हो जाओ क्या बात है बुढ़ी माँ थक गई है चंगा सीधी कर ला थक गया भाई 124 मंजिल चढ़ के आइए पता है अभी हम बैठे हैं 124th फ्लोर पे और सूरज वाला भी बना लिया छज्जे ते बैठे हैं कपड़े सुकान च दिक्कत नहीं आएगी रब नु कुछ दुआ करनी है नेड़े ही हो रब दे भाई हले शेख ने हाथ जोड़ते भरावो साइड हो जाओ हले साडे कोई फॉलोअर मिलके सब्सक्राइबर प्यार करने वाले पंजाबी सी के ओ भाई साहब इतना शोर मच गया शेख दा खूब देर 124 मंजिल दे उत्ते मुश्किल बदो तो शोर मच गया पंजाबियों ने पाया खलेरा भाई सो फाइनली वी आर बैक होम एंड इट वाज लाइक अमेजिंग 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 डे कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बयान नहीं कर सकते जो शेयर नहीं कर सकते बस एट द एंड ऑफ द डे उस रब का शुक्र कर सकते हो कि ए दिन भी कदे नहीं सोचे सके अगे भी कदे नहीं सोचे की होना है वो सब डोर उसके हाथ है बस तुम एट द एंड ऑफ द डे उसका शुक्र कर सकते हो कि थैंक यू सो मच गॉड यू आर गिविंग अस लाइक दिस मच वी डिडंट एक्सपेक्टेड एंड वी विल डू मोर हार्ड वर्क to like more achieve more things I have no words to explain more like feelings and thank you so much to everyone like for supporting us for loving us and like giving immense love to us te edda hi assi vlog banande rahange tonu hasande rahange puri koshish karde rahange apni ede naal is vlog nu karde hain and main ummeed karda tonu eh vlog pasand aaya hoye je pasand aaya te do it the like button comment jo karke jana kitna lage te jinne jinne subscribe nahi kita subscribe thok do fir milde next video then bye bye take care love you